हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग डी ब्लॉग्स। आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? और ठीक ही होंगे आप सब। ये मेरी दुआ रहती है हमेशा भगवान से कि आप सब सब कोई ठीक हो, खुशी से हो, भगवान आप लोग का हर कष्ट चिंता दूर रखे और खुशी खुशी अपना जीवन आप व्यतीत करें। यही मेरी दुआ रहती है भगवान से। तो देखिए, अभी मॉर्निंग का टाइम है, ठंडी ठंडी सुबह। आप सबको मुबारक। आप लोगों को ठंडी कैसी लग रही है ये हमको जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और अभी देखिए, मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। सुबह सुबह काम कुछ ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, टिफिन बनाना पड़ता है उन लोग के लिए। और फिर गांव में तो आपको पता ही है, गांव की लाइफ है। गांव की लाइफ में फिर उसके बाद जब बच्चों को स्कूल भेज के और घर का कुछ काम निपटा के, खाना पीना कपड़ा था, उसके बाद फिर खेतों पे जाना पड़ता है, खेत का काम और भी एक्स्ट्रा जो काम तो वो करने होते हैं। तो मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर वीडियो के अंत में बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, मेरे बच्चे कैसे झगड़ रहे हैं। छोटेली बेटी मेरी रो रही थी, पता नहीं किस कारण से रो रही है। और ये मेरा बेटा है, अभी इसने कंघी नहीं किया है, जल्दी से कंघी करो। अब इन लोग का गाड़ी जो है आने वाला है स्कूल का, अब भी आपको दिखाते हैं। इन लोग का गाड़ी जो आएगा उसमें इन लोग जाएंगे। अभी स्कूल का गाड़ी आने वाला है। फिर लड़ाई हो रही है, देखिए गाइस फिर लड़ रहे हैं वो सब। मेरे बच्चे रो रहे हैं, देखो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। अभी स्कूल जाते वक्त रो रही है मेरी छोटी बेटी है, जानू रो रही है। कंघी कराओ, कंघी, स्कूल का टाइम हो रहा है, गाड़ी आ रहा है, जल्दी करो। अब तो गुस्सा छोड़ दो जानू, इधर देखो जानू बेटा, देखो जानू मेरी गुस्सा हो रही है। गाड़ी आ चुका, गाड़ी आ चुका, देखिए इन लोग का स्कूल गाड़ी भी आ गया है। हाय हाय करो बेटा, हाय करो। मिचर मिचर कहीं नहीं लिया तो बाय बाय जानू। आज वो गुस्सा में ऐसे नहीं बोल रही है। क्या कर? जानू क्या? तो सब काम खत्म करके अभी बारी पहुँचे हैं और बच्चों सबको स्कूल भेज के काम करके सबको खाना पीना खिला के अभी फिर बारी आए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि गांव में सबका जीवन शहर जैसा नहीं होता है, गांव में काफ़ी ऐसे काम होते हैं, खेत बारी का, खेत बगीचे का जो करना पड़ता है। तो अभी हम लोग भी आए हैं अपना खेत में प्याज लगाने के लिए। तो पहले जो प्याज का जो हम लोग ने गाछी किया है, प्याज का जो पौधा उगाया है उसको निकाल के रख रहे हैं और उसके बाद उसको पानी पटा के ज़मीन में पानी पूरा गीला करके कीचड़ बना के उसमें प्याज को लगाएंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं, मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हे गाइस, तो हम लोग मैं सारा काम करके आ गए और ये मेरे हस्बैंड प्याज का पौधा है, गाछी बोलते हैं प्याज का गाछी, देखिए उखाड़ के यहाँ पे रख रहे हैं कबाड़ के। और फिर इसको लगाएंगे अपने खाली जगह में, जहाँ ज़मीन खाली होगी वहाँ प्याज लगाएंगे। देखिए वो जो है सब सारे गेहूँ हैं, वो गेहूँ लगाए हैं। गेहूँ भी अब पूरा तरह से मतलब फूट गया है, ये देखिए गेहूँ। गेहूँ यानी पंजाबी में कनक जिसे बोलते हैं। देखिए गेहूं की ये बाल जो है, गेहूं जो है लग चुका है, अब ये पकेगा तो उसके बाद इसकी कटाई करेंगे। कितना हरा भरा लग रहा है देखिए, गेहूं और उधर सरसों वगैरह लगा हुआ है सबका, किसी और का है और उधर सरसों किसी और का है, और ये जो है हमारा गेहूं है, ये हम लगाए हैं। प्याज अभी लगाएंगे दूसरे वाले बारी में,
देखिए गाइस, प्याज को बड़ी मेहनत से, प्याज का जो गाछ है, प्याज का जो ये पौधा है, इसको बहुत आराम से निकालना पड़ता है। ऐसे करके देखिए, ये है प्याज, देखिए लाल प्याज है ये। अब इसको फिर खाली जगह में खेत में पानी डाल के कीचड़ बना के इसको ऐसे करके लगाना होगा। देखिए इतना सारा बंद कर, पहले उखाड़ के रखें। बंद रहे। देखिए गाइस, गांव में हर तरफ हरा भरा खेत मिलेगा, हरियाली ही हरियाली मिलेगी। ये देखिए सभी खेत हरे भरे हैं, देखिए देख सकते हैं आप। और सब अपना अपना काम करते हुए आप लोग को नज़र आएंगे अपने खेतों में। ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसान का जो काम है वो किसान करता ही है। ये देखिए अपने अपने खेतों को हरा भरा सब बना के रखें। पीला पीला सरसों उधर फुलाया है, गेहूं भी लग चुका है। देखिए गांव का जो नज़ारा है वो हरा भरा है। उधर दूर जो आप देख रहे हैं उधर वो जंगल है, हम लोग का गांव का जंगल। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा, जो कि शहरों में देखने के लिए नहीं मिलता है। शहरों में कई ऊँचे ऊँचे बिल्डिंगियाँ और फ्लैटें नज़र आएंगी आप लोगों को। ऐसा हरा भरा शहरों में देखने के लिए नहीं मिलता है, हरा भरा जो है। इससे हर तरफ हरा भरा देख के मन खुश लगता है। तो देखिए गाइस, यहाँ जगह खाली है, ये जो ज़मीन खाली है इसी में हल से ये जुताई किए हैं, और जुताई करके अब यहाँ पे जगह बनाएंगे, यानी कि क्यारी बनाएंगे, क्यारी छोटी छोटी क्यारी बना के। और यहीं पे जो है ये जो प्याज हम लोग लाए हैं उखाड़ के, देखिए इतना है, इसको फिर यहाँ लगाएंगे पानी डाल के कीचड़ बना के। मेरे हस्बैंड अभी क्यारी बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये कल ही जुताई कर दिए थे इस ज़मीन का। दिखाते हैं आपको कैसे प्याज लगाया जाता है। तो गाइस यहाँ से देखिए, ये गोबर का जो खाद है ये हम लोग लेके जा रहे हैं, और प्याज के गाछी में डालना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे जहाँ प्याज लगाएंगे वहाँ पे गोबर का जो खाद है उसको छींटना पड़ेगा उस जगह पे, उसके बाद ही प्याज लगाना पड़ेगा, तभी प्याज मतलब अच्छे से बैठेगा, मतलब प्याज जो है अच्छे से लगेगा, उगेगा। दिखाते हैं आपको। नहीं, इसी तरह से देखिए छिट दिए हैं इसमें खाद, गोबर का खाद। अब इसमें पानी डाल के उसके बाद इसमें ये प्याज का जो पौधा लगाएंगे। देखिए वो दवा डाल रहे हैं, सल्फेट यानी कि छिट रहे हैं क्यारियों में यूरिया, यूरिया सल्फेट। हेलो गाइस, क्यारी बन के तैयार हो गया है, गोबर भी डल गया इसमें और पानी भी डल गया है। अब देखिए इस तरह से उन लोग को प्याज लगाना है, एक एक करके इस तरह से लगाना है। इधर दूर ठीक है ना, देखे तो थोड़ी गांड हुई पड़नी है, बहुत गांड हुई करे तो रे क्या बाबा कर ले बस के तुम ठीक है।
तरह से लगाते जाना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। फिर कुछ महीनों के बाद इसको कोड़ी या कुछ प्याज हमारा तैयार हो जाएगा बन के। कैसे लगाना दूर दूर देखे करके ये कितना दूर पे थोड़ी दूरी दूरी में रोकना है ताकि कि ये प्याज जब बैठेगा तो जगह भी चाहिए ना इसको। मिट्टी में इसको लगाते जाना है इस तरह से। ठीक है ना, ज़्यादा कर तो नहीं है ना, सामने तो नहीं ज़्यादा। ठीक है, ठीक है ना, कितनी दूरी पे। ढूंढो किरा, हेलो रो, कोई खोजता है क्या तुमको? ना यहाँ पन्नी देखिए, अरे आलू निकल गया। देखे नहीं पहचान रहे डेगान? है ओ एकदम इसको जितो और तुझे उदी आ जितो ये कितने तोड़े थे ना ऊपर से थोड़ा ये तोड़ के ही लगाया जाता है प्याज को। इसके ये फेंका फेंका जा गया लेने का नहीं, सब्जी बनाएंगे ता सब्जी बड़े तक पकला हा के हाओ इसका नहीं, इसका आलू डाल के बनेगा, इसका थोड़ी बनेगा बनो है, लेकिन ये छोटा छोटा है ना कचिया, छोटा है हाँ, छोड़ दो नहीं दे देंगे छक दी के बकरी को दे देंगे खा लेंगे। थोड़ा आलू लगाना है कहाँ पे का छोड़ ले पड़ती है तो कहने लगाओगे आलू लाने तो नहीं, चलो लाओगे हमरो ला देना लगे भी इधर बच्चे का से क्या करेंगे का जाइए ना झारपू पाता लगा का आलू उसमें क्या करना पड़ता है वही तो रोपो पारतो और का बड़ा बड़ा रहता है काट के रोपो पारतो काट के हाँ टहालू कटहालू हम्म, पूरा फूल तो हो रहेगा पानी ज़्यादा लगेगा। ऐसा हम देहात का आदमी है प्याज लगा रहा है, ये प्याज बैठने के बाद ये समय आएगा कोड़ने के लिए। गुरु हंसो, हाँ गुरु हंस रहे, गुरु की हंसी आ रहा है। देखिए गाइस इस तरह से लगाया जाता है, हमने ये पूरा क्यारी बना के प्याज इसमें लगाया है। देखिए पूरा तरह से ऐसे तैयार हो गया है। तो गाइज आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है, और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियो को कैसा लगता है। और अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं ऐसे ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।